हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशन और जीडी टॉपिक्स फॉर एसीसी 124 एंड 125 एसएसबी। जो भी कैंडिडेट्स, अभी आपको पता होगा कि आपका एसीसी 124 का जो एसएसबी है, मोस्ट प्रोबेबली आपका एसएसबी अक्टूबर के मंथ में आएगा, ठीक है। सो उसके लिए बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनइवेंचुअलिटी एज यू प्रिपेयर इन योर यूनिट्स आल्सो। सो उसी तरह से आपको प्रिपरेशन बढ़िया वाली रखनी है फॉर योर ACC 124 एंड 125 SSB। सो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से GD टॉपिक्स जो हैं आपके मोस्ट प्रोबेबल हैं आने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये भी बात करेंगे कि ये जो GD टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, इन पूरे GD टॉपिक्स को अगर आपको चाहिए होगा, PDF चाहिए होगा, तो कहाँ से आप ले सकते हैं? ले आप हमारी एप्लीकेशन से सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगा। उसके लिए हमारी एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट हमें पता यही होना चाहिए कि अभी जो एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन होता है तो वो किसके अंडर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कब होता है ग्रुप डिस्कशन, ये पता होना चाहिए। तो ग्रुप डिस्कशन जब आपके GTO टास्क होते हैं तब करवाया जाता है GTO के द्वारा ग्रुप डिस्कशन। अदरवाइज स्टेज वन जो स्क्रीनिंग होती है उसमें भी ग्रुप डिस्कशन होता है, लेकिन वो पिक्चर पे होता है, ठीक है। मेन GPE में भी होता है, दैट इज़ ऑल्सो ए डिफरेंट ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि नॉर्मल जो डेडिकेटेड ग्रुप डिस्कशन है आपका GTO टास्क में। इसमें क्या होगा, आपको 1 एंड 2 दो राउंड्स आपके टोटल आपके दो राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, आपको एक ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दिया जाएगा, उसमें और होगा और दूसरा भी दिया जाएगा। लेकिन जो सेकंड राउंड होगा उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक दिया जाएगा आपको। वो क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला राउंड होगा उसमें आपको करंट अफेयर्स या नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ पर जो है टॉपिक दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन करने के लिए। अब इट इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल कि हर कैंडिडेट को वो करंट अफेयर या वो टॉपिक पता हो, सो इसलिए वो चॉइस देते हैं फर्स्ट राउंड में। बट इन द सेकेंड राउंड यू विल गेट अ सोशल टॉपिक लाइक वुमेन एम्पावरमेंट या फिर ट्रिपल तलाक, इस तरह के मतलब जो होंगे सोशली, या फिर यूथ हमारा क्यों डिग्रेड हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह के जेनरिक नेचर के होंगे। तो उसमें जो सेकेंड वाला है उसमें आपको जो है ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर वन जो है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फॉर द यूथ दीज डेज। तो हमारे जो यूथ हैं वो हमारे GTO सर ऐसे बोलेंगे, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फॉर द यूथ, जो इंडियन यूथ है उनकी इन दिनों में। तो आपको तीन लीड्स दी जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रॉब्लम है, एन्जॉयमेंट है, या हेल्थ सेक्टर वाला प्रॉब्लम है। तो इसमें से आपको एक चूज़ करना है, राइट। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप लीड ले रहे हैं आपको फिर उस लीड के साथ कंटिन्यू चलना है, ठीक ठीक है। तो वो लीड के लिए आपको बढ़िया वाले पॉइंट्स देने हैं इन ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट बात करेंगे एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द एनिमल्स, जो होती हैं वो रिलीजियसली राइट के द्वारा होती हैं, अगेंस्ट एनिमल्स हैं, या फिर ये एक पोलिटिकल इशू है जिसे कि कंपेयर करा जा रहा है पोलिटिक्स से, आपको एक लीड लेनी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको आ सकता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ ड्यू टू वेस्टर्न कल्चर की वजह से, रूरल थिंकिंग की वजह से, या फिर वीक लॉज की वजह से। जैसे कि आप देखते रहते हैं टाइम टू टाइम जो है वुमेन के अगेंस्ट जो है क्राइम्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वेस्टर्न कल्चर, रूरल थिंकिंग, या फिर वीक लॉज। नेक्स्ट है नंबर फोर, एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू, तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसकी क्या नीड है, या तो फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, रिड्यूस एंड मैनेज सिलेबस, या ऑप्टिंग टेक्नोलॉजी एज ए सब्स्टिट्यूट। इसमें से आपको एक लीड लेनी है, उस पर बढ़िया वाले पॉइंट्स आपको ग्रुप डिस्कशन में प्रोवाइड करने हैं। एक अच्छा बढ़िया वाला फ्रूटफुल ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए वहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, हाउ कैन करप्शन बी चेक्ड बाई यूज़ ऑफ डिजिटल मीडियम्स, स्ट्रेंथन लॉज, एडिंग मोर अथॉरिटीज़। तो कैसे आप जो है करप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगेगा कि देखो ऑलमोस्ट जो भी तीन लीड्स दी जाएंगी ऑलमोस्ट सब जेन्युइन ही होंगी, सब रेलेवेंट ही होंगी, बट आपको उस लीड को लेना है जिस लीड में आपको ज़्यादा नॉलेज है। जब उस लीड में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा तो आप बढ़िया वाले पॉइंट्स ग्रुप डिस्कशन में रिगार्डिंग दैट लीड दे सकते हैं। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन कि जिसमें मेरा बढ़िया वाला होल्ड है तो मैं उसके साथ जाऊँगा। देन
नेक्स्ट अगर बात करें, हु विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ जीएसटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डिफेंस स्टैंड ऑफ, पॉलिटिकल सॉरी कॉमन पीपल, ट्रेडर्स या फिर बिजनेस, किसको सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा जीएसटी का आपके अकॉर्डिंग, तो वो उस पर आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट प्लेज अ क्रूशियल रोल बिटवीन इंडो चाइना रिलेशंस, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डिफेंस स्टैंड ऑफ, पॉलिटिकल एंड एथनिक एस्पेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट शुड इंडिया प्रेफर टू मेंटेन फॉरेन रिलेशंस, तो किस में ज़्यादा, अलग अलग जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ग्रुप्स लाइक ब्रिक्स हो गया, राइजिंग इकोनॉमिक टाइज, या फिर कोई और अदर ऑप्शन इंडिया जो है चूज़ करे। नोटा, ये नोटा इज़ द इमर्जिंग प्रायोरिटी ऑफ द सिटीजन्स, इज इट राइट टू कंटिन्यू, आपको बताना। हाउ वुड वुमेन रिजर्वेशन बी बेनिफिशियल इन इंडिया, तो किस तरह से, इस पर भी आपको तीन लीड्स दी जा सकती हैं। फिर इज इंडिया लीडिंग इन कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस, कंसीडर जाट, पाटीदार एंड मराठा प्रोटेस्ट जो हुए रिसेंटली। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी फैसिलिटीज आर इंक्रीजिंग, स्टिल द फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, तो वाई, इस पर चर्चा करें, इस पर ग्रुप डिस्कशन करें। मेडिकल टूरिज्म शेयर ए गुड पार्ट ऑफ जीडीपी, हाउ इट कैन बी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज कर सकता। हाउ विल यूएस फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट इंडिया, तो अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली यूएस और इंडियन रिलेशंस जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो इसमें क्या इफेक्ट आ सकता है। फिर वन बेल्ट वन रोड जो है इनिशिएटिव चाइना के द्वारा लिया गया है, तो इट विल लीड टू इंटरनेशनल डिफरेंसेस, बूस्ट ट्रेड, इंक्रीज चाइनाज मिलिट्री प्रेजेंट, बिकॉज मोस्टली आप देख रहे होंगे चाइना हर जगह अपना दबदबा बना रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग इससे क्या होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। हाउ फार्मर्स शुड बी सपोर्टेड फॉर देयर यील्ड फेलियर्स, तो जब भी आप देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही फेमस है, तो जब भी फार्मर्स को लॉस होता है तो उसमें किस फार्मर्स को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, या तो लोन वेव ऑफ कर दें, या सब्सिडीज दें उनको, या फिर इंसेंटिव्स जैसे कि ईएनएम टाइप अभी शुरू हुए हैं नए। वेयर टेक्नोलॉजी कैन बी मोस्ट बेनिफिशियल, तो कहाँ जो है टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, मेडिकेशन जो मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फील्ड में, या फिर बिजनेस में, कहाँ ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है, वेयर शुड इंडिया फोकस टू इंक्रीज डेवलपमेंट, तो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, यूरोपियन नेशन, या फिर अमेरिकन नेशंस की तरफ इंडिया ज़्यादा फोकस रहे, तो वो आपके अकॉर्डिंग कहाँ रहना चाहिए। व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया, तो नक्सलिज्म, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, या स्टेबलाइजिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो ये सब देखो सब हैं, सब प्रॉब्लम दी है। अब आपको अपने हिसाब से बताना कि हाँ मेरी वाली जो मैं चूज़ कर रहा हूँ लीड, जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, दैट इज़ द मेन कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। हाउ कैन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कैन बी इम्प्रूव्ड, यूजिंग थिएटर कमांड जो एक कमांड होगी इकट्ठी, इंडक्टिंग फॉरेन आर्म्स, इंक्रीजिंग इंडिजनाइजेशन, तो जैसे आप देख रहे हैं भी अभी इंडिजनाइजेशन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है मेक इन इंडिया वगैरह पे, तो आपको बताना है आपके द्वारा या आपके हिसाब से किससे ज़्यादा हो जो इंडियन फोर्सेज इम्प्रूव हो सकते हैं। कैन प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि आप देख रहे हैं हम काफ़ी सारे सेक्टर्स को हम प्राइवेट कर रहे हैं, तो क्या ये इंक्रीज कर सकता है इंडिया की डेवलपमेंट, ठीक है। What was the impact of demonetizing, turning to cashless economy, returning black money, stopping counterfeiting of money? तो जो आपने देखा during the first tenure of Modi government, तो demonetization हुआ, तो उसका क्या effect था। How to increase job, how can job be produced in India, तो increasing FDI, जैसे foreign direct investment जो होती है, companies आती हैं उनको allow कर दिया, उससे इंडिया में जॉब्स क्रिएट ज़्यादा होंगी, या फिर रिटर्निंग क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, या फिर कोई और ऑप्शन है। फिर उसके बाद व्हाट गवर्नमेंट शुड डू टू ओवरकम करप्शन इन इंडिया, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए टू ओवरकम करप्शन इन इंडिया, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपने बताना है। फिर व्हाट विच इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम टैक्स इवेजन, तो बेस्ट वे आपके अकॉर्डिंग कौन सा। फिर व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द न्यू जनरेशन फॉर इंडिया ऑफ इंडिया, चाइल्ड मैरिज,
चाइल्ड अब्यूज या फिर चाइल्ड लेबर। तो आप प्रेजेंटली देख सकते हैं न्यूज़ में भी क्या क्या हो रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है बिगेस्ट जो है न्यू जनरेशन के लिए क्या प्रॉब्लम है? द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आर इंक्रीजिंग, व्हाट इज़ द मेजर कॉज? तो प्रेजेंट में आप देख सकते हैं कि जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की एग्जाम्पल ले लें, या फिर यंग बंदे जो हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी जल्दी जो है स्किप कर जा रहे हैं, मतलब इतना जी नहीं पा रहे हैं। तो फॉर दैट व्हाट इज़ द रीज़न? फिर उसके बाद बैन ऑन लीकर हैज़ लेड टू द मेजर चेंज इन द ड्राई स्टेट्स, इम्प्रूव्ड स्मगलिंग एक्टिविटीज़ या वहाँ पे इंक्रीज होगी, या फिर रिडक्शन इन स्टेट जीडीपी, इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ? फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द बिगेस्ट हर्डल इन इंक्रीजिंग डिजिटल इकोनॉमी, जिस पे कि बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया जा रहा है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस गांव वगैरह में तो लोगों को पता नहीं चल रहा है, या इंक्रीज्ड हैकिंग्स जो हो रही हैं, हैकर ज़्यादा काम कर रहे हैं, या लिमिटेड रीच ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? हाउ इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कैन बी इम्प्रूव, तो ये आपके उस पर चर्चा करनी है। और किसी को भी कोई भी दिक्कत हो SSB तैयारी में या फिर SSB बैच में एनरोल करना हो, तो उसके लिए भी आप 8120745966 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करें, वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद हाउ इज़ टेक्नोलॉजी इम्पैक्टिंग यूथ, तो रिड्यूस हो रही है फिजिकल एक्टिविटीज़, केम आउट एज एडिशन एंड ईजिएस्ट वे ऑफ इंटरेक्शन। तो टेक्नोलॉजी यूथ पे क्या इम्पैक्ट कर रही है वो आपको बताना है। What should be done for better democracy in India? Improve election procedure, increase transparency in politics, providing more power and freedom to the citizen. तो आपके अकॉर्डिंग है तो इंडियन डेमोक्रेसी बढ़िया वाली, बट और बढ़िया कैसे बना सकती है? फिर 34th है इज़ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वर्किंग एज पर एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसके अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं? हाउ टेररिज्म कैन बी ओवरकम, तो प्रोवाइडिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज टू यूथ, वेदर वेयर टेररिस्ट रिक्रूटिंग इज़ हाई, तो जिस एरिया में टेररिस्ट रिक्रूटिंग हाई है वहाँ बेटर फैसिलिटी यूथ को प्रोवाइड करी जाए। प्रोवाइडिंग गुड सरेंडर पॉलिसीज यूजिंग फायर एंड फोर्स, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही है वो आप पे डिस्कस करना। Why is youth distracting from opting defense employment? ठीक है, more lucrating private jobs मिल रही हैं उनको, या फिर youth want enjoyable life, youth want a comfortable life, तो क्या reason है? फिर 37th आपको देखने को मिलेगा how cleanliness and hygienic condition in India, तो conducting awareness drive, ठीक है, या फिर प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एफोर्डेबल फैसिलिटीज टू इंडिया, तो यूजिंग लॉस, तो किस चीज़ से हम बढ़िया कर सकते हैं? व्हाट इज़ इम्पैक्टिंग वर्स्ट ऑन द यूथ, तो यूथ पे क्या सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट हो रहा है? सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या रिलीजियस एक्टिविटीज़ यूथ को जो है बर्बाद टाइप कर रही हैं, वो आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद है हाउ इंडिया कैन रेज द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन यूजिंग रूल्स एंड लॉज, सेल्फ एम्पावरिंग वुमेन, एनी अदर, द एनवायरनमेंट पोल्यूशन इज ऑन राइजिंग, वाई, क्यों है? और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इसका पूरा PDF चाहिए होगा रिगार्डिंग दिज ऑल टॉपिक्स, तो एक ही पैकेज में पूरा PDF आपके पास रहेगा, तो आप अपने SSB के लिए बढ़िया से तैयारी वहाँ से कर सकते हैं देखने के लिए। तो उस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी डिफेंस अकेडमी का जो है प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर प्ले स्टोर पर नहीं जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, लिंक फॉर डाउनलोडिंग अवर एप्लीकेशन, और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लें, वहाँ काफ़ी अपडेट्स मिलते जाएंगे SSB की जो डेट्स होंगी। सबसे पहले आपको डिफेंस अकेडमी भी मिलती है हर बार, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा ये जो 3 lines हैं इस पर क्लिक करेंगे फ्री स्टडी मटेरियल आएगा। तो फ्री स्टडी मटेरियल में आप वहाँ देखना आएगा कि GD टॉपिक बाई डिफेंस अकेडमी, एंड दोज ऑफ यू विल लाइक टू ज्वाइन फॉर द ACC डिफेंस अकेडमी ऑनलाइन SSB कोर्स, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स में फुल गारंटी आपकी स्क्रीन इन होने की, और आपको जो करवाए जाएंगे चीज़ें OAR एंड PPDT प्रैक्टिस विद इंडिविजुअल फीडबैक्स, फिर TAT VAT SRT SD सब कुछ करवाया जाएगा, आपको इंडिविजुअल फीडबैक्स प्रोवाइड करे जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट करे जाएंगे, एंड आपकी एक्स्ट्रा PIQ क्लासेस भी ली जाएंगी, और GTO सेशन जो होंगे मॉडल्स के थ्रू काफ़ी इंटरेक्टिव बनाए जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ऐड कर दूं कि जो सर्विंग कैंडिडेट्स रहते हैं तो उनको टाइमिंग का बहुत दिक्कत होता है, तो उनके लिए हम फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आपके ऑन टाइम पे ये क्लासेस होंगे, फॉर दैट यू डोंट नीड टू वरी, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो सकती है। एंड दोज ऑफ यू
वांट टू एनरोल फॉर डिफेंस एकेडमी ACC 126 रिटर्न फुल कोर्स तो वो भी एनरोल कर सकते हैं थ्रू अवर एप्लीकेशन। और इस टाइम गणेश चतुर्थी के टाइम पे आज लास्ट डेट है, ऑफ 10% ऑफ भी मिल जाएगा आपको। और अगर आप अभी ही एनरोल करते हैं SSB कोर्स के लिए तो वहाँ भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, लेकिन SSB कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। और अगर रिटर्न में भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सएप 7 8 1 2 0 7 4 5 9 6 6। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।